हंस फाउंडेशन के संरक्षक तथा बहुआयामी प्रतिभा के धनी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों में सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले पूज्य भोले जी महाराज का आज जन्मदिन है। हंस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले गरीबों की सेवा में निस्वार्थ भाव से समर्पित परम श्रद्धेय भोले जी महाराज के जन्मदिवस पर जनतंत्र टीवी उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना करता है। उत्तराखंड समेत देश के लगभग 27 राज्यों में तमाम सामाजिक कार्यों सहित राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश और राज्यों के विकास कार्यों में बिना स्वार्थ के करोड़ों रुपए लगाने वाले द हंस फाउंडेशन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कोरोना महामारी से लड़ने में भी हंस फाउंडेशन फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका अतुलनीय है। गौरतलब हो कि हंस महाराज की प्रेरणा से धर्मार्थ कार्यों को बढ़ावा देने के लिए माता मंगला जी और भोले महाराज ने वर्ष 2009 में हंस फाउंडेशन नाम से सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की थी। तब से लेकर वर्तमान तक पूरे भारत भर के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 400 से ज्यादा संस्थाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 मिलियन की भारी भरकम धनराशि से जरूरतमंदों को लाभान्वित कर चुके हैं। फाउंडेशन की स्थापना स्वास्थ्य, शिक्षा, विकलांगता, पलायन, जल संरक्षण और आजीविका के क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के लिए धन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की गई थी। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि जहाँ सरकार विवश नजर आती है वहाँ से आगे हंस फाउंडेशन का काम शुरू होता है। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों को जितना कुछ हंस फाउंडेशन ने दिया है शायद उतना वहाँ की सरकारें भी नहीं कर सकती। उत्तराखंड के चारों धामों में स्वास्थ्य सुविधाएं सहित बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे दुर्गम इलाकों में ICU वेंटिलेटर और ऑपरेशन थिएटर तक फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि तीर्थ यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बद्रीनाथ में तो अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल तक फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है। वाकई में हंस फाउंडेशन जरूरतमंदों के लिए धरती पर भगवान का रूप है। जनतंत्र टीवी पूज्य भोले जी महाराज को उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और उनके तथा माता मंगला के दीर्घायु व सदा स्वस्थ रहने की कामना करता है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।